प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एक समस्या आ रही है पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस की इंटर सब्जेक्ट चेंज के बारे में। देखिए, बहुत सारे हमारे दोस्त इस बारे में कंफ्यूज हैं कि आप पब्लिक एड से पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो क्या पब्लिक एड में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा लेटर जारी कर दिया जिसमें यह बता दिया कि पब्लिक एड वाले पॉलिटिकल साइंस में नहीं जा सकते और पॉलिटिकल साइंस वाले पब्लिक एड में नहीं जा सकते। परंतु हाईकोर्ट का ऑर्डर कुछ और कहता है, यूजीसी का ऑर्डर कुछ और कहता है, तो इस बारे में कन्फ्यूजन आज दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में एक और चीज़ है कि कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे पूछते हैं, सर मैंने बीबीए कर रखी है, एमबीए कर रखी है, क्या मैं कॉमर्स में अप्लाई कर सकता हूँ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स में जा सकता हूँ। कुछ बीटेक वाले पूछते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की समस्या है। परंतु आज का जो कंप्लीट फोकस है वो हमारा इस बारे में रहेगा कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो क्या आप पब्लिक एड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और ये 4 मार्च 2020 को रिलीज हुआ था और डायरी नंबर इसका जैसे आप देख पा रहे हैं 175 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डीन को लिखा गया फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कुरुक्षेत्रा। और यदि आपको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करके दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेंशन किया गया है कि मैडम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, यानी कि कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार वाइस चांसलर ने ऑर्डर दे दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री मे नॉट बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू एमए पॉलिटिकल डिग्री फॉर जॉब पर्पज। तो कमेटी का फैसला है, मतलब वाइस चांसलर का अकेला फैसला नहीं है, यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते इसको, कि कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी वाइस चांसलर ने उसी के अनुसार ऑर्डर दिया है। और उसके बाद में नीचे मेंशन किया गया है कि कॉपी फॉरवर्ड की गई है जो नेसेसरी एक्शन के लिए डीन को लिखा गया है, चेयरपर्सन को लिखा गया है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, चेयरपर्सन पॉलिटिकल साइंस को लिखा गया है, ओएसडी टू वाइस चांसलर केयू के लिखा गया है, सुप्रीडेंट रजिस्ट्रार और केयू को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब समझने वाली बात ये है, ये 4 मार्च 2020 का लेटर है और इससे पहले बहुत सारे विवाद पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे रह चुके हैं। मैं उस विवाद की तरफ आपका एक थोड़ा सा ध्यान लेके आना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा और यहाँ पे आप देखिए, ये एक कोर्ट का केस है और ये क्या है कि क्या पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटर रिलेटेड हैं, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा है ये। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं TNN वगैरह की ये न्यूज़ है और ये है मार्च 2, 2019 की। अब हम 2020 में, हर महीने वो 2020 का लेटर आपको दिखाया है और यहाँ पे आप देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और इसके साथ में एक इंटरलिंक करते हुए दूसरी खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है कि कोर्ट ने पूछा है कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस को आपस में इंटरलिंक किया जा सकता है। और ये मामला कहाँ का है, ये एक्चुअल में मार्च 5, 1992 का है और जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस ललित बत्रा ने एक ऑर्डर पास किया है युद्धवीर सिंह के मामले में। अब ये युद्धवीर सिंह का मामला क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगे थे जींद कॉलेज में और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगे थे उसके बाद में केस कर दिया गया उनके ऊपर कि वो पब्लिक एड के थे, पोस्ट पॉलिटिकल साइंस की थी। तो ये मामला इस प्रकार से है और यहाँ पे आप देखोगे जैसे पेटिशन डाली थी रीना ने, रेजिडेंट ऑफ भिवानी, रीना पोस्ट ग्रेजुएट थी पॉलिटिकल साइंस से। मैं थोड़ा सा इसको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे बीच में सेंटर में वो पॉलिटिकल साइंस से थी, उसने अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस CR किसान कॉलेज जो जाट कॉलेज के नाम से फेमस है जींद के अंदर, इस कॉलेज के अंदर उसने अप्लाई किया था 2012 में। और डिस्पाइट हर मास्टर डिग्री, उसकी मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में होने के बावजूद भी जो युद्धवीर सिंह था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था उसका सिलेक्शन कर लिया गया और सी चैलेंज युद्धवीर अपॉइंटमेंट, उसने युद्धवीर सिंह की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पे कि पॉलिटिकल साइंस की जब अवेलेबल थी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों लगाया गया। तो ये मामला उठ के कोर्ट में चला गया। अब कॉलेज अथॉरिटी
और युद्धवीर दोनों ने इंस्टीड किया। उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इंटरलेटेड सब्जेक्ट हैं। दे रिलाइड ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन यूजीसी यानी कि यूजीसी और उन्होंने अदर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट क्लेम करके दिखाए। अब उसके बाद में कोर्ट ने 2017 में जो युद्धवीर सिंह का सिलेक्शन था उसको ऑब्जर्व करते हुए ये चैलेंज कर दिया, मतलब ये एक आदेश सुना दिया यूजीसी को कि इस पोजीशन को हमें क्लैरिफाई करें कि ये मामला सारा का सारा क्या है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे और आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ग्रेजुएट कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस हाई कोर्ट। अब ये मामला क्या है, ये है अगस्त 2018 का, अगस्त 2018 का, और ये मामला है 2019 का। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो मार्च 2019 का। अब अगस्त 2018 के अंदर क्या हुआ, मैं ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है तो इसमें आप देखेंगे तो सौरभ मलिक, ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, और अगस्त 8 की बात यहाँ पे है और 18 का ये मामला है। उस मामले में क्या हुआ था कि यही केस गया था जस्टिस रितु बारी के पास, और यहाँ पे उन्होंने इस मामले को सुनते हुए इस फैसला सुना दिया था, ये फैसला सुना दिया था कि पॉलिटिकल साइंस का जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों रखा गया। अब यहाँ पे जस्टिस बारी ऑब्जर्व्ड दैट कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री और नेट Either in political science or public administration might be considered। इसमें यहाँ पे जस्टिस बारी ने क्या कहा कि उसने कहा कि कैंडिडेट जो मास्टर डिग्री किया हुआ है या नेट किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो माइट बी कंसिडर्ड फॉर फैकल्टी पोजिशन इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोनों में जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्टीज इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न, यानी हायर एजुकेशन को जैसा लगे उसके अंदर मामला ठीक लगे वो इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक मामला और 2017 में सामने आ गया था, और वो मामला इसी से रिलेटेड था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज पॉलिटिकल साइंस, और उस मामले को भी बाद में उन्होंने कहा था कि इनका इंटरव्यू ले लिया जाए और इनका रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। तो ये सारा का सारा मामला सुनवाई करके ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इंटररिलेटेड सब्जेक्ट है और आपस में चेंज किए जा सकते हैं, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इनको रखना चाहता है या फिर नहीं रखना चाहता है। अब उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यूजीसी के बारे में क्या कहता है, और ये यूजीसी की स्टेटमेंट है 4 जुलाई 2018 की, और ये पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस के अंदर यूजीसी क्या डिक्लेयर करता है मैं आपको वो भी बताता हूं। इसने कहता है कि इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ऑन इशू कि वेदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो दोनों में से, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से, कैन बी कंसिडर इंटरचेंजली फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। अब दिक्कत ही नहीं है, इंटरचेंज किए जा सकते हैं, और इट हैज बीन डिसाइडेड दैट बोथ द सब्जेक्ट आर इंटरडिपेंडेंट येट डिस्टिंक्ट इन नेचर एंड हेंस उनका नेचर और वगैरह में दोनों में अंतर है, और कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री या नेट इधर इन पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बी कंसर्न फॉर द फैकल्टी पोजिशन इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्टीज इन द कंसर्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो बात हमने ऊपर देखी है न्यूज में, जो ट्रिब्यून ने उसको कवर किया है, वही बात यहाँ पे है, और इस बात को समझाया गया है सिर्फ कि इस प्रकार से आपस में इसको कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि जो एक्सपर्ट कमेटी है हर एजुकेशन की उस पर डिपेंड करता है कि यदि वो चाहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले को पॉलिटिकल साइंस वाली पोस्ट पे रख सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे रखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इस प्रकार की है, परंतु यदि यूजीसी की भी क्लैरिफिकेशन है और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच लिया और कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है, फिर ये मामला क्यों आया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का, और आप इसके बारे में यदि ज़्यादा जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये मामला यहाँ पे क्यों आया है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, और यदि ऐसा फैसला ले लिया है तो क्या ये शुरुआत है आगे चल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस आपस में इंटरचेंज नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि वो उसकी पोस्ट पर उसकी पोस्ट पर क्या वो नहीं लग सकते हैं, क्या फर्दर चल के बाकी यूनिवर्सिटीज भी ऐसा करने वाली हैं, क्या यूजीसी भी इसके अंदर एक फैसला इसी से रिलेटेड दे देगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारा दूसरा चैनल डी ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।